देवाधिदेव महादेव की दया, हरिद्रानंद एवं दीदी नीलम आनंद के आशीर्वाद से आगामी 7 नवंबर को रानी पत्रा में शिव गुरु महोत्सव का उत्कृष्ट आयोजन होगा। इसकी तैयारी को लेकर पूर्णिया एवं कटिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए धर्मावलंबी गुरु भाइयों ने आयोजन की सफलता को लेकर विचार किया। सफाई अभियान आयोजन समिति के अध्यक्ष अशेष कुमार आशीष की अगुवाई में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसमें पूर्णिया कटिहार के गुरु भाइयों ने अपने गुरु शिव के प्रति अपनी दीवानगी एवं कृतज्ञ होने का परिचय दिया। इस सफाई अभियान में पूर्णिया जिले के बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, बी कोठी, भवानीपुर, पूर्णिया पूर्व के अलावा कटिहार जिले के फलका, कोढ़ा, बड़ारी, समेली, कुरसेला एवं अन्य कई जगहों से गुरु भाइयों ने उपस्थित होकर अपना श्रमदान दिया। बालकृष्ण कुमार, रुपौली। 7 नवंबर शिव गुरु महोत्सव रानी पत्रा हेतु साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। सभी गुरु भाई बहन जी, जानकी नगर बनमनखी। सफाई अभियान में आने में यहाँ रहकर कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है। महादेव का काम है, महादेव के काम में सहयोग करना, सेवा देना, ये तो सबसे बड़ा मानवता है। बिल्कुल, हम लोग महादेव के काम में आए हैं। हम सभी गुरु भाई बिल्कुल तन मन धन से महादेव के काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक है महादेव की दया से कोशिश है महादेव का काम अच्छा से हो। हमारी सब सारे गुरु भाई हैं, सबके सब हैं। कुछ गुरु बहन भी भीतर की ओर है, तरफ गई है और यहाँ पर आगमन हो रहा है कार्यक्रम का। 7-11 के निमित्त जो थोड़ा यहाँ पर भी तो कार्यक्रम कुछ चलेगा, कुछ कार्यक्रम तो यहाँ पर भी होगा, कुछ बातें भी बहुत अच्छा। सारे के सारे लोग बैठेंगे इस जगह, मेयर साहब सुनेंगे। कहाँ से आए हैं आप? जानकी नगर से। क्यों आए हैं आप? आज यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, उसी में हम लोग जो है थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए आए हैं। श्रम दान करने के लिए आए हैं हम लोग। कार्यक्रम होना है, शिव महोत्सव होना है 7 नवंबर को यहाँ। उसी अंतर्गत हम लोग यहाँ जो है कुछ श्रम दान करने के लिए अपने जानकी नगर पंचायत से आए हुए हैं। बहुत अच्छा।